के भोजन तुम्हें कराऊं पंडिता तो तेरा वो तो हुई पंडित जी, अगर मैंने तुम्हें भोजन कराया तो बहुत देर हो जाएगी। यहाँ से जाने के बाद द्वारिका में आना, मैं तुम्हें वहीं पर भोजन कराऊंगी। बन गई हो महाराज तो ले आओ जाके। बाई समय रुक्मणी से कह दिया, ठीक है कोई बात नहीं है जाओ। रुक्मणी चली गई, एकदम से रुक्म आ गया, कहने लगा रुक्मणी कहाँ जा रही है। रुक्मणी ने जवाब दिया है, भैया मैं पूजा करने जा। जवाब दिया, जीव कैसी अकला रही है, कहाँ जा रही है। कहा कि मैं भैया पूजा करने के लिए जा रही हूँ। कहा अकेली जा रही है। उसी समय रुक्म ने साथ की सहेलियों को रुक्मणी के साथ कर दिया और कहा जा जल्दी लौट करके आना। रुक्मणी पूजा की थाली हाथ में लेती है और साथ की सहेलियों के साथ पूजा करने के लिए जब पूजा का बहाना लेकर के रुक्मणी चली हैं, इधर कन्हैया खड़े थे मंदिर के पास में रथ को लिए हुए। श्याम सुंदर ने जैसे ही साथ की सहेलियों के साथ में देखो है, अब पहचानो तो ही नहीं रुक्मणी को कन्हैया ने। कन्हैया सोचने लगे, हमने तो पंडित जी से कही थी कि रुक्मणी को भेजिए, पंडित जी ने तो लाइन नहीं लगाई दी एक अलग से। अब बताओ हम जामे से कौन सी रुक्मणी को देखें, कौन सी को ले जाए, को रुक्मणी के चक्कर में कोई और नहीं चली जाए। श्याम सुंदर सोच रहे हैं, यही बात रुक्मणी के दिमाग में आई कि मैं तो अकेली आ रही थी लेकिन भैया ने ये पता नहीं कहां से भेज दें, क्यों कन्हैया हमारे चक्कर में दूसरी को नहीं उठा ले जाए। रुक्मणी चक्कर में फंस गई, सोच में पड़ी है। रुक्मणी सोचने लगी क्या करें। भाई समय रुक्मणी के दिमाग में एक बात आई तो कहने लगी, बहन एक बात बताओ, ये सेना किसकी खड़ी है। बहन बोलो, ये सेना किसकी खड़ी है। ये तुम्हारे भैया ससुराल की। और ये वाली जे रुक्म की। आज जैसे ही रुक्मणी ने कंगन वाला हाथ उठाया, भगवान ने जैसे ही कंगन देखा समझ गए कि यही रुक्मणी है। आज रुक्मणी जो थी एक कुछ दानदाता गुना मारे हैं, 501 रुपए भूरे भैया कमेटी अध्यक्ष इस्माइलपुर और 51 रुपए बदन सिंह भैया इस्माइलपुर, 50 रुपए राम लड़ेते भैया इस्माइलपुर, 51 रुपए मानवेंद्र भैया इस्माइलपुर, 51 रुपए मानू भैया इस्माइलपुर, 21 रुपए विनोद भैया इस्माइलपुर, 101 रुपए मुंशी भैया दुकानदार कमेटी अध्यक्ष और 20 रुपए अवधेश भैया इस्माइलपुर, 200 रुपए राम निवास भैया पृथ्वीपुर, 501 रुपए राजू दुकानदार भैया कमेटी अध्यक्ष इस्माइलपुर और 101 रुपए
रसम सिंह पुजारी इस्माइलपुर, 50 रुपए राजीव भैया इस्माइलपुर, 100 रुपए बिमलेश भैया इस्माइलपुर, 50 रुपए जितेंद्र भैया इस्माइलपुर और 50 रुपए वो 10 रुपए अमित भैया इस्माइलपुर, 101 रुपए राम नरेश भैया प्रधान जी चौखड़िया और 20 रुपए अंकित वर्मा चौखड़िया और 21 रुपए राम प्रकाश इस्माइलपुर, 50 रुपए लेखपाल भैया इस्माइलपुर और 20 रुपए नक्का नक्का टूनी ये क्या लिखा है 20 रुपए नक्का टूनी इस्माइलपुर और 50 रुपए नेत्रपाल भैया इस्माइलपुर, 100 रुपए ग्रीस भैया इस्माइलपुर। ये सभी भक्त भगवान की कथा में दान कर रहे हैं, भगवान से सुख और शांति की कामना करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। 101 रुपए धीरपाल भैया इस्माइलपुर, 101 रुपए राजवीर भैया अमर समर वाले इस्माइलपुर, 101 रुपए अतुल भैया CRPF इस्माइलपुर और 20 रुपए बलराम भैया इस्माइलपुर, 51 रुपए जग्गू उर्फ धर्मवीर भैया इस्माइलपुर, 51 रुपए प्रेमवीर भैया कुशवा कंबरपुर, 50 रुपए अमित भैया कंबरपुर, 50 रुपए राम निवास भैया कंबरपुर, 251 रुपए जितेंद्र भैया बानगांव और 251 रुपए सोनू मुनीम भैया पृथ्वीपुर, 101 रुपए लोकपाल भैया पुत्र यांक इस्माइलपुर, 21 रुपए शैलेंद्र भैया कंबरपुर और 101 रुपए भैया संतन पाल भैया इस्माइलपुर और 101 रुपए सीताराम भैया इस्माइलपुर, 21 रुपए देवेंद्र भैया इस्माइलपुर, 51 रुपए राजेश भैया चौखड़िया और 51 रुपए रावेश भैया चौखड़िया।